हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम हो रहा है और संडे का डे है, तो आज इनकी छुट्टी है। तो संडे को हम लोग फ्री थे मॉर्निंग में, तो बस हम अपने किचन गार्डन में आ गए हैं सब्जियाँ तोड़ने। देख सकते हो यहाँ पे लौकी लगी हुई है और हम लोग यहाँ तोड़ रहे हैं पालक, और मैं आपको यहाँ पे मिंट दिखा रही थी, मिंट भी लगाई हुई है और ये बैंगन भी लग रहे हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी सब्जियाँ हमने घर पे ही लगा रखी हैं, और आप देख सकते हैं हमें भिंडी भी इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, और हमने एक बार तो तोड़ भी चुके हैं। देखो मार्केट में मिलने वाला पालक और इस पालक में देखो डिफरेंस, एकदम शुद्ध है और अच्छे पानी का है, और देखो एकदम घर के पानी का है और कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, बड़ा है। बाकी तो कैसा आता है इतना इतना सा, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। सही बात है। और ये मैंने एलोवेरा लगाया था, कितना बड़ा हो गया। हमें पालक तो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पालक तो हमेशा अपन ही, क्योंकि हमने पिछले बार पालक लगाया था और वो ही उसी के बीज झड़ गए थे इसमें। हाँ। तो वही उग गए हैं। हाँ। देखो इतना पालक अभी भी इतना लग रहा है, इतना तोड़ने के बाद भी देखो ये। तो पालक तो आप घर पे ही लगा सकते हो और हमेशा घर पे ही लगाना चाहिए पालक। हाँ, ये तो इजीली लग भी जाते हैं और बाहर और अच्छी अच्छी भी रहती है इसकी सब्जी ना। बाहर तो पता है आपको कैसे कैसे पानी की सब्जियाँ आती है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लोग नाले के पानी की सब्जियाँ ज़्यादातर बोते हैं, क्योंकि वैसे भी जयपुर ड्राई जोन में आता है तो पानी इतना है नहीं, तो जो नाले का पानी जाता है उसी से सब्जियाँ उगाते हैं। तो हमने तो यही किया है कि जहाँ तक हो थोड़ी बहुत तो कम से कम हम घर की सब्जियाँ उगाएँ खाएँ। सही बात है, सही बात है। लौकी भी दिखाती हूँ, और आएंगे। आज जयपुर का वेदर काफी अच्छा हो रहा है और अभी हमने चाय पी थी, तो बस हम यहीं बैठे थे, मॉर्निंग टाइम हो रहा है। तो गाइस, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, तो वही सही करने आ गए हैं। देखिए पूरा फ्रीजर खुल चुका है। तो गाइस, संडे बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे रहा हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा हम बिज़ी रहे थे। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पाइप्स से कुछ बना रहे हैं, मतलब कुछ ज्वाइन कर रहे हैं ये, कि देखते जाइए आप क्या बनता है। तो आपको मैं बता ही देती हूँ कि यहाँ पर मैंने हानिया के लिए जो टेंट हाउस मंगाया था, बस वही ज्वाइन कर रहे हैं इन पाइप्स के थ्रू जो इसके साथ में आए हुए थे। और फिर इसको लगाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो आप देखते जाइए किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए हानिया का टेंट हाउस बनके पूरा रेडी है, और हानिया काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई अपने टेंट हाउस में बैठकर। और यहाँ पे पारुल को भी, यानी मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर, उसको भी बिठा रखा है उसने, तो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अब तो वो बिल्कुल छोड़ती भी नहीं है, टेंट हाउस में ही उसे अच्छा लगता है। हेलो बेटा, अच्छा लग रहा है आपको? कितना? बहुत अच्छा।
संडे था तो हमने सोचा क्यों ना कुछ हैवी सा बनाया जाए, तो मैंने यहाँ पे बनाए थे मिक्स वेज और दम आलू। तो दिख रही है ना आपको मिक्स वेज, बिल्कुल मार्केट होटल्स जैसी। और मैं यहाँ पे रवि जी के लिए खाना ले जाती हुई। तो गाइज़ रवि जी को मेरा खाना तो बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरा व्लॉग और मेरा खाना दोनों ही अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक से शेयर ज़रूर करिएगा, जितना हो सके उतना आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब।